अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिजा शहजादी, विली शेफ किचन की तरफ से हाजिर हुई हूँ। तो मेरे सब फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से आपके सामने हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू, और साथ में क्या है साथ में बैंगन है। तो आज आपको मैं आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगी। तो जो बच्चे नहीं खाते वो भी बड़े शौक से आलू बैंगन खाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को आलू बैंगन नहीं पसंद होते, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, सब बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले विली शेफ किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आगे चलते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू बैंगन, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बड़ा अदर मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा मैंने इसको चॉप कर लिया हुआ है बारीक बारीक। आधा किलो मैंने लिए हैं बैंगन को मैंने अच्छे तरीके से उस ऊपर से छिलका उतार के इसको मैंने कटिंग कर लिया हुआ है छोटे हिस्सों में। इस तरह बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। और आधा किलो मैंने लिए हैं आलू लिए हैं, उसको भी मैंने यूँ चॉप मैंने कर लिया हुआ है छोटे छोटे हिस्सों में, मैंने इसको कटिंग कर लिया है। एक मैंने मीडियम साइज में लिया है टमाटर, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून। और मसालों में जो मैंने लिए हैं, ऑमलेट में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या है 1 टेबल स्पून मैंने लिए है सुर्ख मिर्च, और 1 टेबल स्पून छोटा टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी का, और छोटा टेबल स्पून मैंने लिया है ये गरम मसाले का, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं हम आलू बैंगन आज किस तरह बनाएंगे। मैंने लिया है एक पतीली और एक घी, बिल्कुल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक अदर प्याज कटा हुआ ऐड करूँगी और इसको लाइट ब्राउन करूँगी, और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए मैंने। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी, बहुत अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, पकने के लिए इसको मैं रख रही हूँ। तो आइए चलते देखते हैं क्या कंडीशन है। तो आप भी देखें, जो बैंगन है वो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, मसालेदार बन चुके हैं। आलू बैंगन में बिल्कुल घी जो है वो बिल्कुल साइड पे हो गया हुआ है, आलू भी गल चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर कटा हुआ पुदीना और धनिया मिक्स इसमें मैं ऐड करूंगी, और अब मैं इसको हिलाऊंगी, मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आलू बैंगन बिल्कुल तैयार है, आप भी देख रहे हैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, शिजा शहजादी को, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।